हौज़बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 8 3.4 द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा। तो सबसे पहले हम करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइज एंड चिट चैट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम। आपका जो है फेवरेट पास टाइम क्या है, आप कैसे अपना वक्त जो है वो गुजारते हैं। तो उसमें आप अपने हिसाब से जैसे आप वक्त गुजार रहे हो वो लिख सकते हो, लाइक माई फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग। और आपका हो सकता है यू में भी लाइक टू वॉच टीवी और सीरियल और प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर टू इज़, वी डू यू रीड बुक्स फॉर इंटरटेनमेंट। यस आई डू, आई लाइक टू रीड बुक्स ऑन माई पास टाइम्स एंड फॉर माई एंटरटेनमेंट। वॉट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, पोएम और बुक। माई फेवरेट बुक इज़, आई कैन से देर आर सो मैनी सो आई हैव टू चूज वन। वॉट इज़ माई फेवरेट बुक, सो माई फेवरेट बुक इज़ ड्रीम टू रियालिटी, अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर ए पी जे कलाम। वॉट रोल डू प्ले ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। बुक्स प्ले अ वेरी क्रूशल रोल ऑन लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। दे इंस्पायर, मोटिवेट एंड गिव एक्सपीरियंस टू फॉलो। जो बड़े हो शख्सियत की किताबें आपको पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। हाउ कैन वी डिसाइड इफ़ अ स्टोरी इज़ एवरेज, गुड और एक्सलेंट। वी कैन डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ द बुक बेस्ड ऑन द राइटिंग स्टाइल ऑफ द राइटर, न्यूनेस इन द स्टोरी लाइन, लैंग्वेज यूज बाय द राइटर, थीम ऑफ द स्टोरी, हाउ द फाइनली द रीडर डिसाइडेड द स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन हिज और हर इंटरेस्ट। तो इसके बेसिस पे हम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक बुक रिव्यू कैसे लिखा जाता है। अ बुक रिव्यू इज़ एन एनालिसिस ऑफ ए न्यूली पब्लिश बुक बाय एन एक्सपर्ट हु एक्सप्रेस हिज हर ओपिनियन अबाउट द कंटेंट, स्टाइल एंड मेरिट्स। बुक रिव्यू आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। मेक हम जो है किसी की भी बुक, जो नई बुक रिलीज होती है उस पर तनकीदी जायज़ा दिया जाता है। तो उसमें जो है उसके कंटेंट्स यानी उसके मवाद पर, उसके लिखने के स्टाइल पर, किस तरह की लिखावट है, किस तरह की स्टोरी है और कैसी, क्या अच्छी बात है, क्या न्यूनेस है उसके अंदर, इस पर जो है बुक रिव्यू लिखा जाता है। तो अब हम एक बुक रिव्यू का एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना है नेम ऑफ द बुक। तो नेम ऑफ द बुक इज़ मिडनाइट्स चिल्ड्रन, राइटर इज़ सलमान रुश्दी। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर, तो जो सलमान रुश्दी है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ही इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड एसिस्ट। इस बैकग्राउंड और सेटिंग, इट इज़ डील विद द इंडियन ट्रेडिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज़म इन टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इट इज़ अ लूज एलगोरी फॉर इवेंट इन इंडिया बोथ बिफोर एंड प्रिमिलरी आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। मेन कैरेक्टर, तो द स्टोरी मूव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंटल फ्रॉम काश्मीर टू आगरा एंड देन टू मुंबई, लाहौर एंड ढाका। द सेंट्रल आइडिया और समरी ऑफ द बुक इज मिडनाइट चिल्ड्रन इज अ लूज एलगोरी फॉर इवेंट इन इंडियन बोथ बिफोर एंड प्रिलिमिनरी आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। द प्रोटोगोनोलॉजिस्ट एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी इज सलीम सयानी, born at the exact moment when India become an independent country. The novel is divided into three books. Style and the language used, it is encompassed the comic and tragedy. The strong positive aspects, तो strong positive aspects है, liberal expression throughout the novel is crucial to construct a parallel narration to the country's history. The events are parallel to the magical nature of the narratives recounted in the Arabian Nights. और इसका drawback है, it is rather lengthy. Conclusion, it is a big read which pass the test of two or more generations, so it survive well.
तो इस तरीके से एक बुक का रिव्यू लिखा जाता है जिसके अंदर उसके राइटर का नाम, राइटर के बारे में और जो बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखना होता है, बुक के कैरेक्टर्स के बारे में लिखना होता है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर स्टाइल एंड लैंग्वेज, तो स्टाइल और लैंग्वेज जो है इसकी कॉमिक और ट्रेजिक है, दोनों ही तरह के लैंग्वेज यूज़ हुआ है। और इस तरीके से हम एक बुक का जो है बहुत अच्छे से फीडबैक लिख सकते हैं। तो हम आते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है राइटर ने जो है इसमें दो जो है शरीफ इंसान के बारे में स्टोरी है उसको कैसे नरेट किया है। एजी क्रोनाइन, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज़ अ स्टोरी ऑफ टू जेंटलमैन, वेरोना के दो शरीफ आदमियों के बारे में कहानी है। एजे क्रोनाइन हैज़ अ वेरी वेल कार्व द आइडिया ऑफ सेल्फलेस हेल्प एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टूअर्ड्स रिलेशनशिप इन द स्टोरी द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज नेम निकोला एंड जेक्पो who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffer from tuberculosis of the spine. The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here is when the first encounter the two brothers selling wild strawberries. Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. This scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. The next day, the boys are found shining shoes in the public square. Amaze the narrator, this is when they reveal that they are do numerous kind of things to earn money. Here the narrator is also shown to develop a soft corner for them. In this heart he finds them to be innocent, serious, pleasant and the earnest. The boys are very useful to the narrator. They are very willing to satisfy all the narrator's requires. They also found selling newspapers by the narrator. The stormy night one day when the narrator asks if he can help in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Polta. Though it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. The boys get down in the building and ask the narrator to wait in nearby cafe until they return within an hour. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. On peeping through a room led by a nurse, he realizes that the boys are talking to a girl who resembles them. He does not feel like introducing and thus asks the nurse the details about the boys. This is when the nurse tells him there is heart-rending story about the fathers being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. So keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. They are noble and gentle and great human being in their own special yet stubborn way. The story distinctly all talks about how to amplification says where there is a will there is a way. तो हमने देखा कि बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ है। एजे क्रोनेन ने कहा है कि वेरोना के दो शरीफ आदमी के ज़रिए नहायत ही उम्दा तरीके से बगैर मदद का तसव्वुर पेश किया है। इसी के साथ रिश्ते के मुताबिक ख़ुद को वक्फ करने की अहमियत को उजागर किया। ये कहानी निकोलो और जेकोपो नामी दो लड़कों के गिर्द घूमती है। वो सिर्फ अपनी बहन के इलाज के लिए जो रीढ़ की हड्डी के तपेदिक टीबी के मर्ज़ में मुबतला है पैसे जमा करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब रावी को एल्प्स के नीचे की तरफ गाड़ी चलाता हुआ पहुंचता है और वहाँ पहली मर्तबा वो जंगली स्ट्रॉबेरी फरोख करते हुए इन दोनों भाइयों से मिलता है। ड्राइवर के मना करने के बावजूद वो रावी से सबसे बड़ी टोकरी खरीदता है और गाँव की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है।
ये वाजह होता है कि ये पहला मौका था जिसके बाद वो दोनों रावी की इन दोनों भाइयों से बढ़ती हुई नज़दीकी का पता चलता है। दूसरी रोज़ गार्ड लड़के भरे पूरे चौराहे पर बूट पॉलिश करते हुए नज़र आते। ये देखकर जो राइटर है यानी रावी है उसको नरेटर को बहुत ही हैरत होती है और उस मौके पर वो लड़कों के जाहिर करता है कि वो पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। यहाँ पे जो नरेटर है उसकी हमदर्दी का जज्बा बेदार होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जो है वो लड़के जो है वो काफ़ी बार उससे मिलते हैं। इसके दौरान ही वो उनसे कहते हैं कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकता है। तो इस दौरान वो उनको बताते हैं कि वो अगर उनके पास के गांव पोल्टिया की तक अगर पहुंचा दे तो उनकी मेहरबानी होगी और वो उसका एहसान मानेंगे। तो वो चूँकि वो रावी को उस तरफ जाना नहीं होता है लेकिन फिर भी वो उनको उस गाँव तक ले जाते हैं और वो लड़के उनको कहते हैं कि आप पास के कैफ़े में उनका इंतज़ार करें। तजस्सुस की वजह से वो लड़कों का पीछा करता है जो एक बिल्डिंग में जाते हैं। जब वो उनका बिल्डिंग में पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल है और वो नर्स के बताए हुए कमरे में जाता है लेकिन वो उनको वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की है जो उनकी शक्ल से मुशाबहत रखती है, उनसे बातें कर रहे हैं और नर्स से पूछने पर वो नर्स बताती है कि उनके वालिद जो है जंग के दौरान मारे गए हैं और जंग में ही उनका मकान तबाह हो गया है और उनकी बहन को तपेदिक यानी टीबी का मर्ज है और वो दोनों भाई एक पनागाह में रहते हैं और अपनी बहन का इलाज करने के लिए वो फाके भी करते हैं और इस तरह वो अपने इस बात को राज रखते हुए अपनी बहन की मदद करते हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि जंग इनके हौसलों को पस्त नहीं करता है बल्कि वो जो है एक मखसूस है लेकिन बहुत ही अजीम इंसान है और ये एक तरीके से एक कॉल को वाजे करता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है।